वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हो दोस्तों? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम रामायण के ऊपर जो है वो वीडियोस बना रहे हैं, आप लोगों ने देखी भी होंगी। सो आज का वीडियो हम श्री राम का क्रोध जो है, इस क्रोध के ऊपर वीडियो बनाएंगे और जानेंगे कि ये श्री राम का क्रोध जो है, इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या है वो हमें जानने को मिलेगा आज की वीडियो में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ, रिएक्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। It's not om, it's om. क्षमा कीजिएगा प्राताश्री, विनम्रता की भी कोई सीमा होती है। आपको इन सागर देव की आराधना करते हुए पूरे 3 दिन हो चुके हैं, किंतु इन सागर देव को देखिए, आपकी सुनी अनसुनी कर रहे हैं। प्राताश्री, मेरे पास गुरु विश्वामित्र का दिया वो बाण है, जिसे आप सागर देव पर साध कर एक क्षण में उन्हें सुखा सकते हैं। एक मिनट में सुखा सकते हैं। ये लीजिए प्राताश्री, दादी ऐसे सागर देव पर। हे सागर देव, जिस प्रकार केले का पेड़ सींचने से नहीं काटने से ही फलता है, उसी प्रकार जब मैंने अपना धनुष बाण उठा लिया तब आप आ पहुंचे हैं। हे शेरा, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, और आप और उसी मर्यादा का पालन करते हुए मैं यहाँ बैठा 3 दिनों से आपकी स्तुति कर रहा हूँ। सागर देव, आपका आवाहन कर रहा हूँ। मर्यादा यही कहती है कि यदि कोई याचक दीन होकर सहायता की याचना करने चला आए तो उसकी सहायता करने में 3 पलों का भी विलंब नहीं होना चाहिए। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, अभी जो उन्होंने उठाया धनुष तो सब आके बाहर आ गए, वरना वो तो आ ही नहीं रहे थे। किंतु मेरे जल में तो लवण भरा है, सभी प्यासे जानते हैं, इसलिए मेरे द्वार पर कोई भी अपनी प्यास बुझाने नहीं आता। मुझे आने में विलंब हुआ, यह उसी लवण का प्रभाव था। मेरे अंदर में तो रत्न भरे पड़े हैं, किंतु कालकूट विष भी मेरे ही अंदर में था। मुझे क्षमा करें, आपके बाण से मेरी विशालता समाप्त हो जाएगी, मैं जलकर सूख जाऊंगा और आपकी सेना पार उतर जाएगी। किंतु मेरे आश्रित लाखों प्राणी जलकर सूख जाएंगे। अब जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप करें, मैं शरणागत हूं। हे सागर देवता, मुझे कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे मेरी ये समस्त सेना सागर के उस पार उतर जाए। हे शेरा, वानर सेना में नल और नील नाम के दो भाई हैं। उन्होंने एक महान आचार्य से
अपने बाल्यकाल में किसी भी वस्तु के भार को हल्का कर देने की शिक्षा पाई। उनके स्पर्श से और आपके प्रताप से पत्थर जल पर तैरने लग जाएंगे। इस प्रकार एक सेतु बन जाएगा और सेना पार उतर जाएगी। उपाय हेतु धन्यवाद सागर देवता, किंतु मैं अच्छा लक्ष्मण के इस बाण का क्या करूं? ये तो प्रक्षेपास्त्र है, इसे लौटाया नहीं जा सकता। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, मेरे तट के उत्तर दिशा की ओर राक्षसों का एक समूह है जो तपस्वियों का भक्षण करता है। इस बाण का प्रयोग आप उन पर कर दीजिए, इससे उपक्षेत्र के तपस्वी मुक्त हो जाएंगे और वे नरभक्षी राक्षस समाप्त हो जाएंगे। उन पर करें। अच्छा सब लोग कितना एक्साइटेड हो रहे हैं। ये क्या रहस्य है? आप सबके फेंके हुए पाषाण तो जल के ऊपर तैर रहे हैं, किंतु जो पाषाण मैंने फेंका वो डूब क्यों गया? प्रभु, आप जिसे छोड़ दें वो तो डूब ही जाएगा। तरते तो वही हैं जिन्हें आपके नाम का आश्रय हो। क्या बात कही है। Yeah, yeah.
देखो यार। लंकेश की जय हो, लंकेश की जय हो। राम अपनी वानर सेना सहित सिंधु सागर पार उतर चुका है। सिंधु सागर पार अच्छा, इन्होंने कहा सिंधु सागर पार, मतलब कि ये मतलब कि रावण का जो धान था ये कहाँ पर था, मतलब पाकिस्तान की हदूद में, जो कि पहले तो मतलब महाभारत में तो सारी सी बातें एक ही था, लेकिन सिंधु जो है वो एक मतलब सागर जिसको कहा जाता है। तो ये रावण का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट था वो अभी जो लास्ट वाला था, इससे मेरे माइंड में कोई क्वेश्चन उठ गया अचानक से कि क्या मतलब कि वो पाकिस्तान की हदूद में आता था, मतलब अभी भी होगा फिर तो यकीनन वो शहर भी होगा ही। अब वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर ऐसा है तो वो कौन सी जगह पर है। एनीवेज ओवरऑल जो है क्रोध तो काफी आया उनको, जाहिर सी बात है तपस्या कर रहे थे इतने टाइम से, 3 दिन से कंटिन्यूसली, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। पर फिर बाद में जब उनको गुस्सा आया और उन्होंने जो है वो अपने धनुष उठाया राम जी ने, तो उसके बाद जो है वो सागर खुद ही वो उठ कर आगे बाहर, और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सुकाओ नहीं, बस आप जो है ना आप जाओ यहाँ से, ये पुल बना लो यहाँ से, यहाँ उस पर जय श्री राम लिखोगे तो पत्थर खुद ही तैरना शुरू हो जाएंगे। तो ये उन्होंने बताया। बाकी वो जो धनुष था वो उन्होंने यूज नहीं किया सागर के ऊपर, वो उसके ऊपर यूज किया जो बुरी आत्माएं थी जो उनके ऊपर रोकथाम लगाती थी। तो खैर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी, क्योंकि जिस तरह से सब लोग इतने प्यार से लिख रहे थे जय श्री राम और एक्साइटेड हो रहे थे, लाइक इस तरह से वो बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए, लाइक आई वॉज ऑल्सो इंजॉइंग दैट मोमेंट और वो हैप्पीनेस। और सारे ही जैसे कि हनुमान जी हैं वो तो भक्त हैं, बचपन से ही भक्त हैं, और उनकी एक्साइटमेंट देखने को मिली जो कि बहुत ही अमेजिंग थी। और इसके अलावा साथ साथ हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ देखा, काफ़ी मज़ा आ रहा था देखने का, इंजॉय भी कर रही थी मैं। बाकी ये है कि आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा यकीनन, काफ़ी अच्छा वीडियो था। और वो सबसे बड़ी बात ये है कि पत्थर के ऊपर पत्थर डूब गए, डूब रहे नहीं थे, लेकिन जो श्री राम जी ने रखा फेंका वो डूबना शुरू हो गया, मतलब तैरना शुरू हो गया। सो उस पत्थर से मुझे ये आइडिया हुआ कि मतलब कि इससे हमें कुछ सीखने को भी मिलता है, मतलब कि जो राम जी जिनके साथ होते हैं वो हमेशा तैरते हैं, राम जी जिनको छोड़ देते हैं, मतलब जैसे किसी का हाथ छोड़ दिया तो इट्स मीन कि वो तैरना वो डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सो ये इस वीडियो में हमें आज की वीडियो में जानने को मिला। एनीवेज अब वो नदी तो पार हो गई, सागर पार हो गया, अब आगे का क्या सीन होता है वो हम अगली नेक्स्ट वीडियो अगर होगी तो हम उस पर भी देखेंगे। बाकी राम जी जो हैं वो उन्होंने सागर तो पार कर लिया है, और रावण भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि अब क्या होगा। सो हमने इसके अलावा लास्ट की तो देखी है, पार्ट्स देखे हैं कि हनुमान जी जो हैं वो रावण की लंका को जला देते हैं, और किस तरह से सीता मैया को लेकर आते हैं, किस तरह से रावण का वध होता है, वो तो हमने जाना देखा। बाकी ये है कि आप भी बताइएगा कि अगर इसमें कोई कमी पेशी हो या सेम एज इट इज थी स्टोरी या फिर कुछ फर्क था वो भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, अच्छा लगेगा। बाकी फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूं साइमा पेड़ ज़्यादा, बाय बाय।